सैम पित्रोदा एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं और इसी के साथ पीएम मोदी की वो भविष्यवाणी भी सही साबित हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उनकी यानी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, कभी कभी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई शिगुफे छोड़ती है। वो नेता अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी से उन्हें कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है, बाद में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाते हैं। ये उनकी यानी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, भ्रम पैदा करना, माहौल बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बीजेपी ने पीएम मोदी की एक वीडियो क्लिप शेयर की। पीएम मोदी ने एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सैम पित्रोदा जैसे लोग हमेशा पार्टी की मुख्य धारा में बने रहते हैं। आपको बताते चलें कि सैम पित्रोदा तब विवादों में आए जब उन्होंने भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी की। सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया था, लेकिन अब हकीकत यह है कि सैम पित्रोदा एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं।